आजकल हमारी टीचर्स कम्युनिटी जो है वो बड़ी नाला है स्टूडेंट्स से। वो कहती है कि जो रिस्पेक्ट हम अपने असातिज़ा को दिया करते थे वो रिस्पेक्ट आजकल हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमें नहीं मिल रही। इसकी क्या वजह है? तो जनाब, मेरे रिस्पेक्टेबल टीचर हजरात, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे वो कॉलेज में हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट हम तभी ले सकते हैं जब हम उन बच्चों को वो चीज़ दें जो वो चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए जो चाहते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं चाहते। हम उनके लिए अपने रूहानी बाप तो कहलवाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम रूहानी बाप जैसा बिहेव नहीं करते। वो कैसे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाएं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, तो वहाँ हाल क्या है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए अगर क्लास में नहीं आता तो उसको टीचर भी बॉदर नहीं करता कि उसको लेकर आ जाए, क्योंकि वो समझता है कि ये मेरी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी कि मैं स्टूडेंट को वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊँ। हालांकि अगर वही मेरा बच्चा होता तो जैसे भी होता, मैं अपनी क्लास में मुझे छोड़नी पड़ती तो मैं उसको उठा के वहां से लेके आ जाता। हम अपने बच्चों से ऑनर तब हासिल कर सकते हैं जब हम उनके कैरियर को देखेंगे, हम उनके कैरियर के लिए सोचेंगे और उनकी बेहतरी के लिए सोचेंगे, वो उन्हें नजर आए कि उस्ताद हमारे लिए कोशां है, ना कि हम कमर्शलाइज जब हो जाएंगे, जब हम कमर्शियल तरीके से उनको ट्रीट करेंगे, जब हमारी नज़र ही फीस के ऊपर, तनख्वाह के ऊपर, ट्यूशन के ऊपर होगी, तो ऑब्वियसली हम वो चीज़ नहीं गेन कर सकेंगे जो हमें करनी चाहिए। इसलिए एक अदना सी उस्ताद की बड़े प्रोफेसर हजरात से और दूसरे टीचर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह जो है वो ट्रीट करें। उनको ये, वो तो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से हमने आगे अपने आप को ओरिएंट करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, वो नहीं जानते। वो गलतियां करेंगे, लेकिन हमें शफकत से और मोहब्बत से उनको उस ट्रैक पे लेके आना है ताकि वो हमारे लिए, हमारे कहने की वजह से रिस्पेक्ट नहीं करें, बल्कि वो हमारे काम की वजह से और उनके लिए जो शफकत हमारे दिल में है उससे मुतासर होकर वो हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल है। आप इस पेज को लाइक करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ इतनी इंफॉर्मेटिव जो हैं वो मिलती रहे है।